तो वृद्धा पेंशन 2019 के अगर हम बात करें तो आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना पेंशन पा सकते हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूँ पहुंचा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हिंदी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाए। तो पेंशन में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखा देना चाहूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो होगा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास, और दूसरा आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, एज प्रूफ बोल सकते हैं आप, आयु प्रमाण पत्र अपना या तो आधार कार्ड लगा दें या आप अपने तहसील से आयु प्रमाण पत्र, बात कर रहा हूँ एज सर्टिफिकेट दोस्तों बनवा लें, अपना एक नोटरी करवा लें। दूसरा आपका बैंक पासबुक जिसमें आपका अकाउंट लगेगा, वहां की पासबुक अपलोड होगी जिसमें आपका सीधा अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ करेगा। और अगर हम चौथी बात करें तो आपका पहचान पत्र लगेगा, आप पहचान पत्र में अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं या अपना वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। और फोर्थ और लास्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा आपका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा आपकी घर की कितनी आय है। तो ये पांच डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं, सबसे पहले अपना पासबुक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और इसके बाद अपना आयु प्रमाण पत्र, और इसके बाद बैंक का पासबुक, पहचान पत्र और आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आसानी से पहले से प्रिपेयर करके रखें, अगर मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हैं तब भी या लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तब भी, तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो ये सारी चीज वहां पे अपलोड करनी पड़ती है। तो चलो हम पूरा डिटेल और जान लेते हैं। तो सबसे पहले वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के लिए आज जाना है आपको इस वेबसाइट पर, ये दोस्तों यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यूपी के लिए आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे आते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे लिखा है वृद्धा पेंशन, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। आज मैं पूरा वृद्धा पेंशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऑनलाइन आवेदन अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, और ये ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पांच ऑप्शन चार ऑप्शन खोलकर आते हैं। न्यू एंट्री फॉर्म, अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं तो आज हम नया ही भरेंगे, तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज ऑल फील्ड मार्क्ड विद एस्टिक आर कंपलसरी, जिसमें जो दोस्तों स्टार का निशान लगा है वो आपको भरना जरूरी है। द साइज ऑफ एप्लीकेंट फोटो शुड बी ऑफ मैक्स 20 KB, जो आपका फोटोग्राफ उसका 20 KB से साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट विद मैक्सिमम साइज 500 KB, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करेंगे फोटो के अलावा पासबुक इनकम सर्टिफिकेट आधार कार्ड, तो 500 KB के अंदर होने चाहिए और आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी यहाँ पर व्यक्तिगत वो सिलेक्ट लेने वाला होता है। तो सबसे पहले चलो फॉर्म भर लेते हैं। व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले आपको जनपद चुनना होगा, आप जिस जिले से भी अप्लाई करना चाहें आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से भर रहे हैं, कौन आपका जिला पड़ता है। तो सबसे पहले आप जनपद चुन लें, इसके बाद निवासी आप कहाँ के हैं, नगरी हैं या ग्रामीण है, तो अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण, नहीं तो नगरी भी भर सकते हैं। और आपका तहसील यहाँ पे भरना है तो आप तहसील चूज कर लें। अब आपका ग्रामीण विवरण, ब्लॉक आपका कौन सा पड़ता है, अपना ब्लॉक का यहाँ पे नाम भरना है, ग्राम पंचायत आपकी कौन सी पड़ती है तो अपने ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गांव आपका कौन सा है, आपका जो भी गांव वो आपको गांव सिलेक्ट कर लेना है, और न्याय पंचायत आपकी क्या पड़ती है, मतलब कि आपकी जो न्याय पंचायत हो वो भी आप यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, ये आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन आप इसको भर दें, ठीक है। अच्छा, आपका डाकघर क्या उनसे पड़ता है वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा, और ये देखिए यहाँ पर एस्टिक मार्क नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर आपको पता है तो आप भर दें। अब आवेदक का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे आवेदक का नाम क्या होगा, तो यहाँ आवेदक का नाम भरें, उनका उसका जेंडर चुन लें, मेल है फीमेल है जो भी हो वो चेक कर लें, और उनके पिता का नाम क्या होगा वो आपको भर देना है आवेदक के जिनका भी आप भर रहे हैं। इसके बाद मकान नंबर, गली अगर आपको नहीं पता इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पिन कोड भरना इम्पोर्टेंट है, आपको पिन कोड भरना मैंडेटरी है, और इसके बाद पूरा एड्रेस आपको भी भरना इम्पोर्टेंट है, अपने विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पर भर दें, और इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार साइज का आपको यहाँ फोटो डालना है, लेकिन आपको याद रहे मैंने इंस्ट्रक्शन आपको स्टार्टिंग में ही दिया था कि आपको लगभग 20 KB का फोटो अपलोड करना था। चलो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने 20 KB फोटो 20 KB कर लूंगा, और इसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर मैं बताता हूँ।
और आप अपना रंगीन पासपोर्ट शायद यहाँ फोटो अपलोड करें, जहाँ भी आपने रखा हो। तो मैं अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। चलो मैंने अपना फोटो अपलोड कर लिया। अब इसका सिलेक्ट श्रेणी आपको जनरल में आते हैं, ओबीसी या एससी एसटी में भी आते हैं वो भर लें। उप श्रेणी में अगर आप भर भी सकते हैं ओबीसी में कौन सी जात आते हैं, या तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जन्म तिथि आपको भरना बहुत इंपॉर्टेंट, और याद रहे आपको जन्म तिथि ऐसी भरनी है जो आपका 60 साल से ऊपर हो, क्योंकि ये पेंशन 60 साल वालों को ही मिलती है। तो आपकी उम्र जो भी हो आप यहाँ पे भरे, 60 साल से आप ऊपर होना चाहिए तभी आपको ये पेंशन मिलने वाली है। तो चलो मैं ये पेंशन के लिए अप्लाई करता हूँ। उम्र है 55, ठीक है ना जी? ठीक है, यहाँ पे आप या तो जन्म तिथि भर सकते हैं या अपना आयु यहाँ पे भर सकते हैं। अपलोड जन्म आयु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे भरना है। आयु प्रमाण पत्र में आप अपना आधार कार्ड या और चीज भी लगा सकते हैं। पहचान पत्र आपको यहाँ पे भरना है, वोटर आईडी, राशन कार्ड या आधार कार्ड में तीन, तो मैं यहाँ वोटर आईडी लगाऊंगा। तो उस पहचान पत्र यहाँ पर नंबर आपको भरना है, पहचान पत्र का नंबर क्या है। तो चलो मैं नंबर देख कर भी यहाँ पे भर देता हूँ। तो अपने यहाँ पे पहचान पत्र आपको भर देना है। तो पहचान आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। और अपलोड आपको पहचान पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना इम्पोर्टेंट है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है डालना, तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप जरूर डालें मोबाइल नंबर। और आपको बैंक का नाम चुनना है, जो भी बैंक का अप्लाई कर रहे हो वो आपको बैंक चूज कर लेनी है, और उसकी शाखा चूज कर लेनी है आप कहाँ पर ये बैंक खुला हुआ है। और खाता संख्या आपको डाल देना है विद आईएफएससी कोड आ जाता है, फिर आपको खाता यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। और इसका आप पासबुक आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो भी आपका बैंक की पासबुक हो। ध्यान रहे आपको खाता संख्या ये सारी चीजें बहुत ध्यानपूर्वक डालनी, क्योंकि आपका इसी में पैसा आने वाला है। अब आय का विवरण आपको डालना, परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी, आपका जितना भी इनकम सर्टिफिकेट बना वो यहाँ पे डाल दें। तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है, जो आय प्रमाण पत्र बना होगा उसका एक क्रमांक होता है दोस्तों, वो आप यहाँ पे डाल दें जो भी हो। या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करें, या अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर, या दोनों काम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप अपलोड भी कर दें आय प्रमाण पत्र। और बीपीएल सूची का अगर नंबर पता है यस, नहीं तो आप नो करके बस अब आपको यहाँ पर कैप्चर डालकर सेव करके आगे बढ़ जाना है। तो चलो मैं यहाँ पे कैप्चर डाल के और आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे आप पूरा डिटेल भर लेते हैं तो अब आपको जैसे आप सेव के पेंशन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। आप जैसे इनकी फिर से इस वेबसाइट पर होम पेज पर आकर यहाँ पर आएंगे तो आप एडिट, या अगर आप कुछ गलती हो गई है तो आप यहाँ पर एडिट सेव्ड पर क्लिक करके अपना स्कीम का नाम वृद्धा पेंशन और जनपद आपने जहाँ से अप्लाई किया हो उसी जनपद का नाम चूज करके आपको यहाँ पर एडिट कर लेना है कुछ अगर गलती हो गई आपसे तो। और इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो डालकर कैप्चर डालकर आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट यहाँ से करना है दोस्तों, तभी आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। नहीं आप सोचे वहीं से हो गया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब देखिएगा सेव्ड या फाइनल सबमिट पर। इसके बाद आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म अपना लगातार ट्रैक कर सकते हैं अपना फॉर्म कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपका फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है। तो ये पूरा स्कीम था, ये आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे अपने स्टेट का नाम कमेंट करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। और अगर मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो एक स्मॉल हाउस प्लान नाम का यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के घर के नक्शे मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट या आपका कुछ भी है आप बहुत ही आसानी से अपने घर का नक्शा यहाँ से देख कर समझ के बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इस चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको YouTube की लिंक पर ले जाएगा और आपको पूरा चैनल पर ले जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको कितने सारे आपको चैनल के वीडियो मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं खुद ही। अलग अलग प्लान है ये, आपको जो भी ट्रेवल हो देख कर बनवा सकते हैं। और अगर आप मेरे अभी तक फेसबुक पेज को आपने
फॉलो नहीं किया हेल्प इन हिंदी नाम का मेरा एक दोस्तों फेसबुक पेज भी है।